इटावा जिले के बकेवर में रक्षाबंधन 22 अगस्त की रात पुलिसकर्मियों से हाथापाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कुछ युवकों द्वारा पुलिस के सिपाहियों के साथ गाली गलौज और मारपीट करने का वीडियो वायरल हो गया है। वायरल वीडियो को देखने के बाद SSP ने SP क्राइम ब्रांच को जांच के आदेश दिए हैं। जो कि दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले BJP सांसद रामशंकर कठेरिया ने पुलिस पर ही आरोप लगाए थे। सांसद का कहना था कि दबिश के दौरान पुलिस ने महिलाओं और बुजुर्गों के साथ बर्बरता पूर्वक रवैया अपनाया है। हालांकि वायरल वीडियो को देखने के बाद BJP सांसद बैकफुल पर आ गए हैं और मामले में कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। दरअसल थाना बकेवर क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा बकेवर में देर रात कठेरिया मोहल्ले के पास कुछ आवारा लड़कों का जमावड़ा था। रक्षाबंधन की रात फैक्टम मोबाइल पुलिस के सिपाही गश्त कर रहे थे। समय सिपाहियों ने उन लड़कों को वहां से हटने के लिए कहा। आरोप है कि वहां मौजूद लड़कों ने सिपाहियों की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी लड़कों की खोजबीन करते हुए मोहल्ले में दबिश दी। वायरल वीडियो को देखकर SSP ने SP क्राइम ब्रांच जांच के आदेश दिए हैं। रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे जब दिन में हमारी फैंटम मोबाइल चलती है, उसके जो कार्मिक हैं वो गश्त कर रहे थे। उस समय कुछ लोग दारू पी के बकेवर चौराहे पे बैठे हुए थे। उन लोगों को हटने के लिए कहा गया था, तो उन्हीं के परिजन, उन्हीं में से एक बादल नाम का व्यक्ति था, उसी की कुछ परिवार की माँ और बहन आए और उसे ले गए। इसके बाद ये गश्त करने के बाद फैंटम मोबाइल जब वापस आ रही थी तो रास्ते में कठेरिया मोहल्ला पड़ता है उसके सामने फिर लोगों का जमघट लगा हुआ था। और जैसे ही पुलिस वहाँ पे पहुँची, दोनों फैंटम वाले उनको घेर के उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें पुलिस के साथ हाथापाई भी की गई थी। उसी परिप्रेक्ष्य में एक मुकदमा बकेवर थाने में लिखा गया था। उसकी जो भी उसमें वांछित थे, उनके जो भी ठिकाने, उस पर पुलिस द्वारा दबिश दी गई थी और महिला पुलिस भी उसमें साथ थी। आरोप ये है कि उसमें महिलाओं के साथ और कुछ लोगों के साथ बदसलूकी की गई है, जैसा माननीय सांसद जी ने आरोप लगाया है। तो इसके लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने SP क्राइम के नेतृत्व में एक जांच दल गठित कर दिया है। पूरी चीज़ों की जाँच करेगा और जो भी दोषी होंगे, अगर पुलिस का कोई दोष या एक्सेसिव यूज़ ऑफ फोर्स पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई होगी। बाकी जो मुकदमा लिखा गया है, जो उसके अभी वांछित बचे हुए हैं, उनके खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई होगी। धन्यवाद। देखिए, बकेवर में रक्षाबंधन के दिन दो पुलिस वाले और दो यहाँ लड़के थे, तो किसी बात को लेकर के कहा सुनी हुई और आपस में दोनों उलझ गए, मारपिटाई हुई। उसके बाद रात में 12 बजे 40-50 पुलिस के लोग आए और उन्होंने जो घरों में घुस के या किवाड़ तोड़ के जो महिलाएं थीं, बड़े बुजुर्ग थे, बच्चे थे, उनकी बेरहमी से पिटाई की। हमारा कहना ये है कि उसमें जो भी दोषी है, जो पुलिस जनों से जो भी लड़े हैं दोषी हैं, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन ले। और जिस पुलिस ने यदि निर्दोषों के खिलाफ मारपिटाई की है या जो भी किया है, उनके खिलाफ एक्शन हो, इनका मेडिकल कराया जाए और मेडिकल के साथ इनकी भी FIR कराई जाए और फिर कोई उच्च अधिकारी जांच करे और इसमें जो भी सच्चाई है उसके बेस पे जो है कोई दोषी है, चाहे पुलिस का है चाहे यहाँ का व्यक्ति है, वो दोनों जो है सच्चाई के बेस पर उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।